असलम नाजरीन प्रोग्राम आपकी सेहत में मैं हूँ डॉक्टर इनाम दानिश कार्डियोलॉजिस्ट इस सीरीज़ में हम आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम देंगे आपकी हेल्थ के बारे में वो बातें बताएंगे जो इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताई होंगी या आपको नहीं मालूम होंगी तो जिसे कहते हैं अंदर की बात आज का प्रोग्राम है डायग्नोसिस के बारे में कि हम हार्ट डिजीज़ को कैसे डायग्नोस करते हैं एक पेशेंट जो हमारे पास आता है चेस्ट पेन के साथ तो हम सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं हिस्ट्री ऐसे ही होता है जैसे लॉयर जिरा करते हैं तो इसी तरीके से हम पेशेंट से डिटेल से क्वेश्चन आंसर करते हैं कि अगर चेस्ट पेन है तो कहाँ पे कब से है किस पक्ष ज़्यादा होता है किस चीज़ से बढ़ता है किस चीज़ से कम तो इस तरीके से करके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनसे हम आइडिया कर लेते हैं कि ये टिपिकल हार्ट का पेन लगता है या नहीं है बाकी दूसरी भी चीज़ें हैं जिनका ये पेन हो सकता है जैसे सर्वाइकल प्रॉब्लम है आजकल स्मार्टफोन कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह इतना यूज़ करते हैं लोग और अपने रूम में एलसीडी सी के बेड पर बैठ के टी देखते हैं इन सब चीज़ों की वजह से सर्वाइकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है तो अच्छे खासे पेशेंट जो है वो सर्वाइकल के आते हैं आप अपनी नेक की केयर करें इन फ्यूचर ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि बहुत ज़्यादा आप अगर फ़ोन यूज़ करते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं कंप्यूटर यूज़ करते हैं बैंक के लोगों में सर्वाइकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो बैंक के लोग इसी तरह आते हैं कि चेस्ट पेन के साथ आ रहे हैं लेकिन वो उनकी सिम्टम सर्वाइकल की ज़्यादा होती हैं तो हमें ये डायग्नोज करना है कि पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं तो हिस्ट्री हम सबसे पहला टूल हमारा हिस्ट्री टेकिंग है हिस्ट्री के बाद हम उसका रिकॉर्ड चेक करते हैं कि प्रीवियस उसका रिकॉर्ड हो सकता है उसमें कोई इन्फॉमेशन मिल जाती है फिर एग्जामिनेशन है कार्डियोवेस्कुलर में मेनली एग्जामिनेशन आप पल्स देखते हैं पेशेंट की और ब्लड प्रेशर चेक करते हैं कुछ लोगों का फर्स्ट टाइम ही उन्हें मालूम होता है कि ब्लड प्रेशर हाई है वरना तो वो उन्होंने कभी इससे पहले ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं कराया होता है हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो फर्स्ट टाइम मालूम हो जाता है कि ब्लड प्रेशर हाई है नाज़री एक हार्ट का जो, जो एंजाइना कहलाता है ये चेस्ट पेन होता है यूजुअली बहुत सीवियर पेन नहीं होता सेंटर में होता है चेस्ट या लोअर चेस्ट कह लें अपर एबडामन कह लें तो जिसे तौर पे कहते हैं लोग कलेजे में दर्द होता है तो भारीपन होता है लोग कहते हैं कि बदहजमी हो गई है गैस हो गई है या खाना हजम नहीं हो रहा है तो सीने पे एक बोझ है एक भारीपन है तो ये भी हार्ट डिज़ीज़ की हो सकती हैं एंजाइना की हो सकती हैं इनको आप ये इग्नोर ना करें कि ये सिर्फ गैस है या बदहजमी है अगर आपको रिस्क फैक्टर कोई मौजूद है यानी कि अगर पेशेंट डायबिटिक कोई है ब्लड प्रेशर है स्मोकिंग करता है या फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम है और इस तरह की सिम्टम फ़र्स्ट टाइम ऐसा फील हो रहा है तो यकीन इसको भी कंसिडर करें कि ये एंजाइना हो सकता है और मेडिकल हेल्प आपकी आपको ज़रूरत हो सकती है ई की आपको ज़रूरत हो सकती है तो नाज़री पहला टूल हमारे पास जो है वो ई है जब भी पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आता है तो हम ई सी एडवाइज़ करते हैं ई में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है अगर पेशेंट को एंजाइना है तो भी आ सकता है हार्ट अटैक है तो भी आ सकता है अगर पहले लाइफ में कभी हार्ट अटैक हुआ है तो वो भी आ जाता है और ये भी आइडिया होता है कि कितनी इमरजेंसी है मगर ई इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है थर्टी टू सेवेंटी परसेंट लोगों में ई पॉजिटिव होती है और इसके यानी कि इसकी सेंसिटिविटी इतनी है थर्टी परसेंट सेंसीटिविटी का मतलब ये है कि सेवेंटी परसेंट लोगों में हार्ट प्रॉब्लम होती है मगर ई में नहीं आती तो ईसीजी का नॉर्मल होना ये ज़रूरी नहीं है कि हार्ट प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ लोगों में 30, 40, 70 परसेंट तक इवन अगर इसी सेंसिटिविटी 70 परसेंट भी आप लगाएं, तो 30 परसेंट लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम है और ईसीजी के अंदर नहीं आती तो पेशेंट आके कहते हैं कि हमें पर्सनल चेस्ट पेन हुआ था ई कराई ई नॉर्मल थी तो ई का नॉर्मल होना वो ये कंफर्म नहीं करता कि हार्ट प्रॉब्लम है दूसरी बात यह कि ई सी जी कराते हैं एक मरतबा अगर न, आ, आ, कोई चेंजेस अगर नहीं आई तो वो बाद में आ सकती है ऐसे पेशेंट्स को यूजली हम ट्वेल्व टू सिक्सटीन आवर्स के लिए एडमिट कर लेते हैं एडमिट करके रिपीटेडली ई करते हैं और साथ में एक टेस्ट होता है टोपन एन आई वो कराते हैं कुछ लोगों में ई सी जी आ जाती हैं किसी में नहीं आती हैं तो टोपन इन पॉजिटिव आ जाते हैं उनको हम नॉन एस टी एलिशन एम आई लेबल करते हैं यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ जो कि अंदर की बात है कि हमारे किसी मेडिकल कॉलेज में प्रॉपरली ई सी जी नहीं पढ़ाई जाती जब ग्रेजुएट बन के निकलता है एक आदमी एम बी बी एस करता है यूजली उसको ई सी जी रीड करना नहीं आता अब वही जब किसी एमरजेंसी में बैठा होगा और ई सी जी करा के कोई पेशेंट उसको दिखाएगा तो वो रीड ही नहीं कर पाएगा जब उसने पढ़ा ही नहीं है तो वो ई सी जी को कैसे रीड कर पाएगा तो इस प्रोग्राम के हवाले से मैं मेडिकल स्टूडेंट से भी ये कहता हूँ डॉक्टर से भी कहता हूँ कि आप ई सी जी रीड करना शुरू करें आपको कोई इशू है कितने भी कार्डिक हॉस्पिटल हैं अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं हम फ्री ईसीजी क्लासेस आपके क्लासेज ले सकते हैं आपको ईसीजी की अवेयरनेस दे सकते हैं तो हर शहर में तकरीबन कार्डियोलॉजिस्ट हैं और कार्डिक हॉस्पिटल्स भी हैं अगर आप चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट करें वहाँ के डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करें आपकी ई सी जी की क्लासेज वो करें तो कम से कम सोसाइटी में ये मालूम होना चाहिए कि आप ई सी जी अगर दिखा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर को इसी रीड करना भी आता है तो वो मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं कभी कह देते हैं कि इसी नॉर्मल है इसलिए कि उनको रीड करना ही नहीं आता है अगर ज़रा भी डाउट हो तो पेशेंट को फ़ौर कार्डिक हॉस्पिटल भिजवाएँ ताकि वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो रोज़ यही काम कर रहे होते हैं उनको इसी रीड करना आती है तो वो देख के इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि क्या करना है इसके बाद सेकंड टूल जो हमारे पास है वो एक्सरे चेस्ट है चेस्ट एक्सरे में बहुत अच्छी इन्फॉमेसन मिल सकती है जैसे हार्ट साइज़ है जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है उनका हार्ट साइज़ बढ़ जाता है तो कभी लोग किसी वजह से भी एक्सरे कराते हैं हार्ट साइज़ बड़ा होता है तो वो हमारे पास आ रहे होते हैं तो इसमें हार्ट साइज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उन्हें या जिन्हें हार्ट वीक हो जाता है उनका भी हार्ट इलाज हो जाता है तो कार्डियो जिसको कहते हैं हार्ट इलाज हो जाता है वो आपको एक्सरे पर नजर आ सकते हैं इसी तरीके से पल्मोनरी एडिमा कह लें या जो हार्ट अटैक के बाद या हार्ट वीक होने के बाद लंग में पानी जमा हो जाता है तो उसकी इन्फॉमेशन भी आपको चेस्ट एक्सरे से मिल सकती है उसके अलावा नमूनिया है नमूनिया में लोगों को चेस्ट पेन होता है और वो आते कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही हैंस रे कराएँ हैं तो उसके अंदर आपको नमूनिक पैच मिल जाता है तो नमूनिया की वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है तो एक्सरे अच्छा खाता एक इन्फॉर्मेटिव टूल्स है एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट ईटीटी कहते हैं अगर ईसीजी में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और एक पेशेंट है जिसमें सिम्टम्स लगता है, है कि हार्ट की हैं यानी कि रिस्क फैक्टर उसको है आपने एक्सक्लूड कर लिया कि ये हिस्ट्री uh, लेके कि पेशेंट को सर्वाइकल नहीं है मस्कुलर पेन नहीं है और रिस्क फैक्टर मौजूद है पेशेंट डायबिटिक है हाइपरटेंसिव है या उसका कोलेट्रोल हाई है ये फैमिली हिस्ट्री है ये स्मोकिंग करता है तो इन पेशेंट में चांसेस ज़्यादा हैं कि ये हार्ट पेशेंट हो सकते हैं तो ऐसे पेशेंट को हम जॉगिंग मशीन पर दौड़ा के और उसके साथ ई करते हैं जिसको हम ई कहते हैं एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट या एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट टेस भी कहते हैं तो इसके में पेशेंट को जॉगिंग कराते हैं ग्रेजुअली पहले थोड़ा सा स्लो चलता है फिर फास्ट थोड़ी देर के बाद और फास्ट तो इसमें भी काफ़ी इंफॉर्मेशन आ जाती है ई से पहले बेहतर यह है कि आप चलना शुरू करें वॉक करें जो लोग अगर प्रॉपर वॉक नहीं करते वो वहाँ पे दौड़ भी नहीं सकते इसलिए फीमेल्स ख़ासतौर पे उनके अंदर ई का सेंसिटिविटी कम है सिक्सटी परसेंट कहने के लोगों में सेंसिटिविटी है ख़ासतौर पे फीमेल्स के अंदर और मेल्स के अंदर सेवेंटी सेवेंटी फाइव परसेंट तक सेंसिटिविटी है कि हार्ट प्रॉब्लम है मगर सिक्सटी सेवेंटी परसेंट लोगों में डायग्नोज आप कर सकते हैं ई के जरिए और बाकी लोगों में नहीं भी हो सकती तो उनके लिए फिर दूसरे हम टच करते हैं अब ई के बाद अगर किसी की फॉर एग्जांपल उसमें चेंजेस नहीं आती लेकिन पेशेंट को सिम्टम्स क्लासिकल हैं तो फिर हम और दूसरे टूल्स की तरफ जाते हैं जिसमें हमारे पास एकोकार्डियोग्राम है एकोकार्डियोग्राम दिल का अल्ट्रासाउंड होता है तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन मिल सकती है इवन एंजाइना की भी कि पेशेंट को जहाँ पे जिस एरिया में ब्लड सप्लाई कम होती है वो एरिया कम काम कर रहा होता है तो एकोकार्डियोग्राम में हम देखते हैं कि हार्ट की पंपिंग कैसी है नॉर्मल पंपिंग यूजुअली 60 परसेंट से ज़्यादा होती है आपने सुना होगा कि उसका हार्ट ट्वेंटी परसेंट काम करता है फिफ्टीन परसेंट काम करता है ट्वेंटी फाइव परसेंट काम करता है तो ये हम एको में इसकी असेसमेंट होती है कि हार्ट की पंपिंग कितनी है कितनी हार्ट की पावर है और इसके साथ साथ जो है आप देख सकते हैं अगर पेशेंट को एंजाइना है ब्लड सप्लाई कम है जिस एरिए की तो वो एरिया कम काम करता है इससे आइडिया होता है कि जो हिस्सा कम काम कर रहा है हार्ट का उसकी पंपिंग कम है तो उस एरिया में एंजाइना हो रहा है तो इससे भी आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं दूसरे एक् के अंदर आपको हार्ट के वेल्व्स का पता चल जाता है वेल्फ एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी इसी में चेंजेस आती हैं तो इसलिए उसमें भी कन्फर्मेशन हो जाती है कि वेल्व वेल्फ नाजरीन दरवाजे होते हैं वो दरवाज़ा जो एक साइड पर खुलता है उसको वेल्व कहते हैं जैसे टायर में हवा बढ़ते हैं कि अंदर जाती है बाहर नहीं आती तो इसी तरीके से हार्ट के फोर चैम्बर्स हैं चार रूम हैं उनके जो दरवाजे होते हैं उनको वेल्व कहते हैं तो एक् में वेल्व की इन्फॉर्मेशन आ जाती है और इसके अलावा जो है आपको और जितनी कुछ और भी अब हैं हार्ट के हवाले से जो एक् के अंदर आप पिक कर सकते हैं तो एक्यो के लिए किसी पास्टिंग की ज़रूरत नहीं है जस्ट अल्ट्रासाउंड है किसी वक्त भी जाके आप करा सकते हैं पंद्रह बीस मिनट का टेस्ट होता है और ये बहुत ईजी है थैलीम स्कैन या न्यूक्लियर स्कैन जो पेशेंट दौड़ नहीं सकते वेट ज़्यादा है ये नी जॉइंट जो है घुटने सही तरीके से काम नहीं करते हैं या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी ईसीजी ऐसी ही होती है कि आप उन पे ईटीटी पे नहीं भेज सकते कुछ वेलवलर ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिसको पेशेंट को आप ईटीटी पे नहीं भेज सकते तो आप थैलीम स्कैन कराते हैं इसमें आइसोटोप यूज़ होता है जस्ट लाइक कैमरे की तरह कुछ पिक्चर्स लेते हैं और काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है हार्ट के बारे में इसकी सेंसिटिविटी ई से बेहतर है समझे तकरीबन ऐटी एटी फाइव परसेंट इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है नेगेटिव ई का मतलब ये नहीं है कि हार्ट प्रॉब्लम नहीं है याद रखें उसमें इसी तरीके से नेगेटिव थैलियम स्कैन का मतलब ये नहीं है कि हार्ट प्रॉब्लम नहीं है डिपेंड करता है कि सिम्टम्स कैसी हैं अगर पेशेंट की सिमटम्स कोरिलेट करती हैं टेस्ट के साथ तो हम सोचते हैं ठीक है कि पेशेंट की वो सिम्टम भी नहीं है थैलीम स्कैन नॉर्मल है तो हो सकता है नॉर्मल लेकिन अगर पेशेंट की सिम्टम प्रसिस्टेंट हैं लग रहा है कि इससे हार्ट प्रॉब्लम है और थैलियम स्कैन नॉर्मल आ गया तो भी हम यहाँ रुकते नहीं हैं हम पेशेंट तो फिर और आगे जाते हैं नेक टेस्ट की तरफ जिसे हम कहते हैं सी टी एन लेटेस्ट टेस्ट है जो सी टी एन है सी टी स्कैन है दिल का बहुत कम टाइम इसके अंदर लगता है तकरीबन समझे फाइव टेन मिनट्स के अंदर ये टेस्ट हो जाता है तो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव टेस्ट है वो लोग जिनको अब किसका हर एक का तो नहीं करेंगे तकरीबन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ खर्च होते हैं टेस्ट के ऊपर वो लोग जिन्हें रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं जैसे डायबिटिक हैं हाइपर टेंसिव हैं स्मोकर हैं तो ये फैमिली हिस्ट्री है और उनको लग रहा है कि ये चेस्ट पेन हार्ट का है या नहीं है वो रूल आउट करना चाहते हैं वो कन्फर्म करना चाहते हैं कि ये डिज़ीज़ उनको है या नहीं है तो वो चीटिया एन की तरफ जाते हैं सी टी में अगर थोड़ी भी डिजीज़ स्टार्ट भी हुई है तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन आ जाती है तो आज के लिए लेटेस्ट है आप इसको स्टेबल पेशेंट में भी यूज़ कर सकते हैं सी टी को जिसको पहले से एक प्रॉब्लम चली आ रही है और एमरजेंसी के तौर पे भी रूल आउट कर सकते हैं कि एक पेशेंट एमरजेंसी में आता है उसकी ईसीजी नॉर्मल है एमरजेंसी में एको भी करके देख सकते हैं कि हार्ट की पंपिंग कैसी है और फिर भी अगर उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है टोपनन भी नेगेटिव है फिर भी लगता है कि चेस्ट पेन ये क्लासिकल है आप सी टी एन जी करके कन्फर्म कर सकते हैं रूल आउट कर सकते हैं कि ये हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं है नेक्स्ट जो टेस्ट हमारे पास आता है वो है एंजियोग्राफी कोरोनरी एनजियोग्राफ ये गोल्ड स्टैंडर्ड है 100 परसेंट कन्फर्म हो जाता है कि हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं है किस हद तक है लेकिन नाद्रन अब जो है एनजियोग्राफी को हम डायग्नोसिस के लिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इतने टूल्स आ गए हैं हमारे पास कि हम पहले कंफर्म कर लेते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं है एनजियोग्राफी अब चूँकि इन्वेजिव प्रोसीजर है इसमें खुदा न खाता कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं तो उस वक्त किया जाएगा जब कंफर्म हो जाए कि पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम है और हमें उसका ट्रीटमेंट करना है हमें ट्रीटमेंट डिसाइड करना है कि वन थर्ड लोगों को हम रखते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट पर वन थर्ड की एनजोप्लास्टी होती है और वन थर्ड का बाईपास होता है तो हमें अब ये डिसाइड करना है कि ट्रीटमेंट करना है और इसके लिए हम करते हैं डायग्नोज करने के लिए अब हमारे पास ईसीजी है एक्ो है ईटीटी है थैलियम है सीटी एंजियोग्राम है इतने टूल्स आ गए कि हम इनसे कन्फर्म कर लेते हैं कि पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट को आपने हिस्ट्री uh, सुनी और कोई आपने टेस्ट नहीं कराया और डायरेक्ट एंजियोग्राफी के लिए एडवाइज़ किया ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि आपकी ई में चेंजेज आ रही हैं एको में चेंजेज़ आ रही हैं या आपने कुछ और थैलीम स्कैन कराया तो अगर वहाँ पे इंफॉर्मेशन है तो डायरेक्ट एन पे जाएं पहले कंफर्म कर लें कि ये हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं है डायग्नोसिस करने के लिए कि ये देख लेते हैं चलें भी कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं टेन थाउजेंड में खुदा नास्ता किसी की डेथ भी हो सकती है तो ऐसा ना हो कि अननेसेसरी नेसरी इन्वेजिव प्रोसीजर की तरफ जाएं सी टी एन जी ओ जो कि सी टी स्कैन के जरिए एनजियोग्राफी हम करते हैं वो नॉन इन्वेजिव है उसमें रिस्क बहुत कम होता है दवा तो वही यूज़ होती है जो एनजियोग्राफी में है लेकिन यह है कि वो उसमें रिस्क या कॉम्प्लिकेशन के चांसेस जरा कम होते हैं तो एनजियोग्राफी अगर आपको कोई एडवाइस करे तो आप उससे पहले पूछ लें कि क्या कंफर्म मुझे हार्ट प्रॉब्लम है आपने टेस्ट करा लिया है डायग्नोसिस के लिए ना जाएं कि आप हम देख लेते हैं क्या एंजियोग्राफी करके कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं है अब हमें ट्रीटमेंट के लिए एंजियोग्राफी करानी है कि हम आगे फर्दर प्रोसीड क्या करें एंजियोग्राफी एक सिंपल प्रोसीजर है डरने की जरूरत नहीं है आमतौर पे अब हाथ से हम करते हैं कुछ लोगों में पाँव से भी करना पड़ सकता है अगर हाथ की आर्टरी ना मिले या बारीक आर्टरी हो तो आम नाइन्टी परसेंट लोगों का हाथ से हो जाता है इसमें एक कलाई पे सुन करने का इंजेक्शन लगाते हैं और एक कैनोला लगाते हैं इस कैनोला के अंदर हमारा कैथेटर जाता है जो कि एक समझे सिरिंज है एक लंबी रबड़ की सिरिंज होती है कि हा, हम हाथ से हार्ट तक पहुँचते हैं तो इसमें इंजेक्शन डालते हैं और कैमरे से पिक्चर लेते हैं सिंपल प्रोसीजर है आ, लेकिन ये कि इसकी कुछ प्रिकॉशंस भी हैं कि आप आ, पहले से एंजियोग्राफी करने से पहले ब्लड टेस्ट कंफर्म कर लें कि पेशेंट का ब्लड नॉर्मल है प्लेटेट्स कम सही हैं खून पतला तो नहीं है पेशेंट को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है और खास तौर पे किडनी क्योंकि जो दवा हम एंजियोग्राफी में यूज़ करते हैं वो किडनी के लिए नुकसानदेह हो सकती है तो किडनी फंक्शन पहले से मालूम होना चाहिए पहले से ही बहुत पानी पीना चाहिए और अगर बहुत ज़रूरी है तो एंजियोग्राफी की तरफ जाएं वो लोग जिनके किडनी इवन बॉर्डर लाइन भी प्रॉब्लम आ रही है क्रिएटिनिन उनका ज़्यादा है तो उनको अवॉइड करना चाहिए एंजियोग्राफी से अगर कोई और डायग्नोस्टिक टूल मौजूद है तो अगर नहीं है मजबूरी है फिर तो देखें जान बचाने के लिए सब कुछ करना होता है लेकिन अगर ऑल्टरनेटिव मौजूद है तो किडनी के पेशेंट जो हैं उनको अवॉइड करना चाहिए और अगर करनी भी हो कि, कि देखें ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिन्हें एक तरफ हार्ट होता है एक तरफ किडनी है वो किडनी की वजह से डर जाते हैं कि नहीं भी हमें एंजियोग्राफी करेंगे किडनी ख़राब ना हो जाए लेकिन नेक्स्ट डे वो हार्ट अटैक के साथ आते हैं तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ये आपका फिजिशियन डिसाइड करेगा कि आपके लिए एंजियोग्राफी कितना ज़रूरी है अगर एंजियोग्राफी ज़रूरी है तो फिर किडनी की केयर ना करें सही है बस पानी ज़्यादा पिए और अपने हार्ट को बचाएं क्योंकि हार्ट टाइम नहीं देता है किडनी अगर डैमेज भी हो जाए तो बहुत सारे टूल्स हैं डायलिसिस हो सकता है पेशेंट का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है कुछ भी हो सकता है मगर हार्ट अटैक आपको टाइम नहीं देता है तो इसलिए किडनी के हवाले से थोड़ी सी एहतियात है कि अगर ऑल्टरनेटिव कोई मौजूद है किसी और टेस्ट से कराया सकते हैं ज़रूरी नहीं है तो एनजियोग्राफी ना करें लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है हार्ट अटैक का ख़तरा है तो फिर एनजियोग्राफी ज़रूर कराएँ Uh, नाजन ये था हमारा डायग्नोस्टिक प्रोग्राम नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट डिजीज़ अगर है तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है यानी कि तीनों ट्रीटमेंट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि किन पेशेंट्स को हम मेडिसिन पर रखते हैं किन की एनजियोप्लास्टी होती है किसका बाईपास होता है और ये हम डिसीजन कैसे लेते हैं ताकि आपकी हेल्थ है आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अगर आपको कोई कहता है कि एनजियोप्लास्टी कराएँ तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस पेशंट की एंजियोप्लास्टी होती है क्या आपको इंडिकेशन है या नहीं है किस पेशेंट का बाईपास होता है तो ये नेक्स्ट हम प्रोग्राम इसके बारे में करेंगे और इसके अलावा ये व्हाट्सएप नंबर आपके पास आ रहा है अगर आप समझते हैं किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हार्ट की है और कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप अभी से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चन का आंसर करने का इसके अलावा फ़ेसबुक लाइव प्रोग्राम भी होगा उसके अंदर भी मैं आपको डेट बता दूंगा उस डेट पे आप मुझसे डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन करना चाहें वो कर सकते हैं मेरी कोशिश ये है कि, देखें नाजरीन कि अल्लाह ताला ने जो मुझे इल्म दिया है मैं आपको वो शेयर करूं क्योंकि ये आपकी हेल्थ है आपको मालूम होना चाहिए कि कब आपको अगर कोई टेस्ट देखें डॉक्टर अगर आपसे टेस्ट कह रहे हैं तो गैर ज़रूरी ज़िद्द भी नहीं करनी चाहिए और ऐसा भी ना हो कि आपका अननेसेसरी आपको कोई कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाएं, अननेसेसरी किसी टेस्ट कोई करवाए आ, देखें आ, लालच तो हर इंसान के अंदर होता है तो एक डॉक्टर के अंदर आप आ, ये फील नहीं करते हैं एक डॉक्टर मसीहा होता है आपकी हेल्थ के लिए काम कर रहा होता है मगर बेहतर यह है कि बिल्कुल ब्लाइंड फेथ किसी पे नहीं करें आपको पता हो कि किस बेस के ऊपर डॉक्टर ने डिसाइड किया है आप अपने डॉक्टर से क्वेश्चन करें कि अगर आप एंजियोग्राफी के लिए कह रहे हैं तो इसकी क्या इंडिकेशन बनती है क्या मेरे लिए कैसे ज़रूरी है और इसका ऑल्टरनेटिव क्या है क्या मैं एंजियोग्राफी के अलावा और भी कुछ कर सकता हूँ कोई और टेस्ट से भी है जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है एंजियोप्लास्टी अगर है क्या ज़रूरी है अगर मैं एंजियोप्लास्टी ना कराऊँ तो क्या होगा इसी तरीके से अगर बाईपास है अगर मैं बाईपास ना कराऊँ तो क्या हो? तो वो डॉक्टर आपको डिटेल से बताएगा कि एक और ख़ास तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ एंड इसी चीज़ पर करता हूँ लोग कहते हैं कि जब जिंदगी का एक टाइम मुकर है मौत बरहक है मौत आएगी तो फिर हम अपना इलाज क्यों कराएं एक सॉलिड रीज़न है कि भाई हमें जब हेल्थ इतना यानी कि लाइफ को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा तो हम फिर इतना रिस्क क्यों लें पैसे क्यों खर्च करें तो देखें इसके लिए मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं मैं पेशेंट से कहता हूं कि वाकई इसमें तो कोई शक नहीं है हमने देखा है कि लाइफ का एक टाइम फिक्स है मगर जितनी लाइफ है वो हेल्दी लाइफ आपकी हो बाकी की ज़िंदगी अगर हार्ट अटैक होने के बाद दिल कमज़ोर हो जाता है सांस लेना मुश्किल हो जाता है लेटना मुश्किल बैठना मुश्किल चलना मुश्किल तो वो अजियत ला अजियतनाक लाइफ होती है आप उस अजियत से बच जाएंगे जितनी ज़िंदगी होगी आपकी सेहत के साथ गुजरेगी तो मेरा ख्याल है कि ये सफिशेंट है और मेरे ज़्यादातर पेशेंट इस चीज़ से कायल हो जाते हैं तो जब मैं उनसे तो कहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि लाइफ टाइम एक फिक्स है इंसान का मगर आप अपनी हेल्थ को बचा सकते हैं जितना अल्लाह ताला ने आपको टाइम दिया है वो आप हेल्दी गुजारें और दूसरों पर बोझ ना बने और अजियत का शिकार ना हो तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा आप आ, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और जो आप क्वेश्चन करना चाहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर आप शॉर्ट से क्वेश्चन आप मुझे भेजें नेक्स्ट प्राइम मैं कोशिश करूंगा कि उनका आंसर करूं और फिर लाइव प्राइम के मैं आपको डेट बता दूंगा